BS1 कहानी है चोला एम्पायर की, चोला डायनेस्टी की, विच इज द तमिल थैलास्क्रेटिक एम्पायर ऑफ द साउथर्न इंडिया एंड द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। चोला एम्पायर जिसके बारे में हमें अपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया गया है, उसके ऊपर फिल्म लेके आ गए हैं डायरेक्टर मणिरत्नम। ये फिल्म मणिरत्नम की डेब्यू मूवी है और इस मूवी की बनाने की कोशिश वे पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। मणिरत्नम आपको पता है तो वही डायरेक्टर है जिन्होंने हमें गुरु और रावण और रोजा जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं, और अब वो लेके आ गए हैं BS1 यानी पोनियल सेल्वम 1 की कहानी। बता दें कि ये मूवी दो भागों में रिलीज होने वाली है और ये मूवी अभी तक की इंडिया के सबसे ज़्यादा बजट वाली मूवी होने वाली है। इसकी कास्ट में क्यों की बात करें तो इसमें हमने चैन विक्रम ऐश्वर्य राय जयंत रवि कार्थी शिव कुमार बेटर नोन एज कार्थी कृषा कृष्णन जयराम प्रभु गणेशन और प्रकाश राज नासिर सर जैसे उम्दा कलाकार हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि BS1 का 1 मिनट 10 सेकंड का टीजर हमें 1 मिनट पहले देखने को मिला था जो कि देखने में काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था, उसका वीएफएक्स भी काफ़ी उम्दा लग रहा था। लेकिन अब जब 3 मिनट 23 सेकंड का टीजर 6 सितंबर को रिलीज हुआ तब हमें इसके ट्रेलर में काफ़ी खामियाँ देखने को मिल गई हैं। ट्रेलर उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, एवरेज सही लग रहा है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन थी इतनी महंगी बजट वाली फिल्म से कि ये हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाएगी इसके ट्रेलर में, लेकिन ऐसा कुछ ट्रेलर में दिखा नहीं। मूवी का बजट लगभग 600 करोड़ बताया जा रहा है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि इंडिया की अभी तक की सबसे ज़्यादा बजट में बनने वाली फिल्म है। और ये फिल्म दो भागों में रिलीज होगी, BS1 और BS2 यानी पोनियल सेल्वम 1 और पोनियल सेल्वम 2। और इसके ट्रेलर से यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये मूवी बाहुबली या उससे भी बड़ी बाहुबली ऐसे ही बड़ी मूवी एक साबित होगी और इसका ट्रेलर भी उतना ही उम्दा होगा। लेकिन ट्रेलर से हमें काफ़ी चीज़ें नहीं देख कर ये भी हो सकता है कि डायरेक्टर हमें काफ़ी चीज़ें ना बताना चाहें, लेकिन ट्रेलर से वो बाहुबली वाली वाइब तो आ गई है लेकिन उतना फील नहीं होगा कि उतना अच्छा है। हालांकि इसका म्यूजिक AR रहमान सर ने दिया है, तो यही है कि ये मूवी राधे श्याम साहू या पृथ्वी राज जैसी खिचड़ी ना बन जाए और हमें कुछ अच्छा पड़ोस अच्छा ला के दे और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया जिसे हमने इससे पहले कभी ना देखा हो।